हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वायरस में स्वागत है। तो आज मैं आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में ही ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस पढ़ाऊंगा। ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस के अंदर ही सबसे स्कोरिंग किताब होती है, 70 नंबर का पेपर होता है आपका और सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके इसी में ही मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका स्टार्ट मैं इसमें करने वाला हूँ वेक्टर को। तो वेक्टर के अंदर आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट चलेगा डिफरेंशिएशन एंड इंडिकेशंस ऑफ वेक्टर्स, क्योंकि इसके अंदर से आपको क्वेश्चन देखो 26 मार्क्स का तो मिलता ही मिलता है, लेकिन 26 में से 13 मार्क्स का आप 13 या 16 मार्क्स का आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो इसी में से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको मैं करा दूंगा, और उसके बाद ये आपका जल्दी ही कंप्लीट करा दूंगा मैं आपको। तो रेगुलर आपकी क्लास मिलती रहेंगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको बातें समझ में आ पाएंगी। तो आइए, कुछ रूल्स भी हैं। आपने जैसे पढ़ा होगा फर्स्ट डेरिवेटिव, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ डी आर वैक्टर ओवर डी टी, या फर्स्ट डेरिवेटिव जो निकलता है तो हमारा जो निकलता है लिमिट ऑफ डेल आर टेंस टू जीरो आर वेक्टर प्लस डेल आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर अपॉन डेल आर वेक्टर। तो क्या होगा, इस टर्म से ये कैंसिल आउट होगा, तो हमारे को जो मिलेगा ना लिमिट ऑफ डेल आर वेक्टर टेंस टू जीरो डेल आर वेक्टर ओवर डेल आर। असल में ये है क्या, उस चीज़ को मैं समझाता हूँ आपको। जैसे आपको फर्स्ट डेरिवेटिव आपने पढ़ा डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एफ एक्स, क्या आता था निकलते, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, जो ये लिमिट होती थी वो यहाँ है, दिस ये यहाँ है। तो इसी टाइप से देखो ये टर्म्स दिस ये टर्म्स, तो फर्स्ट डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग निकलता है। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है डी ओवर डी टी ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर, मैं चाहूँ तो आपको इसी तरीके से आपको इसको सॉल्यूशंस करा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूँ वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं आपको इसका रूल से लिख दूँ डी ए वेक्टर ओवर डी टी प्लस डी वी वेक्टर ओवर डी टी। क्लियर, ये तो हो गया एक फर्स्ट रूल इसका। सेकेंड रूल क्या है, डी ओवर डी टी यदि आपके पास में ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है, तो जानते हो डिफरेंशिएशन कैसे होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशियल, सेकेंड एज इट इज एंड फर्स्ट का डिफरेंशियल। क्लियर हुआ, इसी टाइप से आपको क्रॉस में जो डॉट प्रोडक्ट था ऐसे आपका क्रॉस में आ जाएगा, ए क्रॉस बी, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ए वेक्टर क्रॉस डी वी वेक्टर ओवर डी टी प्लस बी वेक्टर क्रॉस डी ए वेक्टर ओवर डी टी, क्लियर हो गया होगा, बात समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आइए चलते हैं, इसके अंदर कुछ थ्योरम है आपकी इंपोर्टेंट्स जिन्हें मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए स्टूडेंट देखो, एक रूल और भी है इसके अंदर, मैं उस रूल को भी बता देता हूँ। जैसे कुछ इस टाइप के वेक्टर्स दिए होते हैं तो कॉपलेनर वगैरह पूछ लेता है, तो एक तरीका और होता है, जैसे कि ये फॉर्म होती है ना ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, इसको लिखने का तरीका आपको बता देता हूँ। 1 2 3 इस टाइप की फॉर्म में है, तो सबसे पहले तो होगा 1 2 3 इस टाइप की फॉर्म में, देखो 1 2 एंड 3, ये दोनों तीनों टर्म्स इस टाइप की हैं। अगर इसको ओपन करने का तरीका है, देखो ओपन करने का तरीका क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सी क्रॉस ए सी क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है फर्स्ट हो गया। अगर आप सेकंड की बात करोगे, देखो फर्स्ट आ गया सेकेंड और थर्ड हो गया, अगर हम सेकेंड की बात करते हैं तो देखो वी वेक्टर डॉट कितना आएगा सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो मतलब इसका दिस इतना। अगर हम सी वेक्टर की बात करते हैं, सी वेक्टर डॉट सी ए रहा, सी के बाद क्या आएगा 1 एंड 2, तो 1 क्या है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्लियर हो गया। इस टाइप को इसको लिख सकते हो, इस टाइप की फॉर्म होती हैं। और देखो ये हो गया ए बी सी, अगर हम इसकी बात करते हैं तो क्या होगा बी सी ए, ठीक है, और इसकी बात करेंगे तो हमारा क्या आएगा सी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर। तो अगर इसमें डेरिवेटिव के बारे में बात कर रहा होगा तो डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, डी ओवर डी टी ऑफ वी वेक्टर सी वेक्टर, यदि हम इसकी बात करते हैं तो क्या निकलेगा, देखो डी ए वेक्टर ओवर डी टी बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस, अब क्या होगा, अब आ गया इस टाइप की फॉर्म आ गई, तो इसको करो डी वी वेक्टर ओवर डी टी और आपका आ गया सी वेक्टर ए वेक्टर,
क्या आएगा भाई अगर हम सी की बात करते हैं फॉर्म अगर, हाँ ठीक है, डी सी वैक्टर ओवर डी टी ए वैक्टर बी वैक्टर, इस टाइप से इसके फॉर्म को लिख सकते हो। क्लियर हो गया? तो अब चलते हैं इसके थ्योरम की तरफ। थ्योरम आपकी इंपॉर्टेंट, थ्योरम नंबर आपकी फोर्थ एंड सिक्स, ये दोनों थ्योरम आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इसकी तरफ चलते हैं। यही पेपर में मिलती भी है तुम्हें, 5 नंबर में मिल सकती है एक पार्ट में, या 3 नंबर में दे सकता है। थ्योरम बहुत ही इंटरेस्टेड है, आसान थ्योरम है भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो थ्योरम की तरफ चलते हैं। थ्योरम नंबर फोर्थ क्या कहता है, मेरी बात को समझना। थ्योरम नंबर फोर्थ कहती है आपसे, द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर द वेक्टर ए टी टू हैव द कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। क्या बोला है इसने? कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर ओवर डी टी इक्वल टू 0 वेक्टर। तो ये आपको गिवन है, तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आप मेरी बात को समझना ध्यान से। तो सबसे पहले मुझे ये करना होगा, तो इसने बोला है ए वेक्टर, तो सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले आएगी नेसेसरीज कंडीशन, नेसेसरीज कंडीशन क्या कहती है, लेट ए वेक्टर इज द वेक्टर ऑफ ए, ए का ही वेक्टर है, ठीक है। तो इसने बात करी है कि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट। और हम एक चीज़ और जानते हैं, कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो एक स्केलर निकल के आएगा, ठीक है, इस टाइप के फॉर्म में निकल के आएगा। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ ए? अब मैंने क्या किया, यदि मैं इसको ए वेक्टर का होल स्क्वायर लिख दें तो क्या होगा, ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। क्लियर? स्क्वायरिंग करने के बाद में इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर्स। क्लियर? जैसे हम जानते हैं जेड मोड का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, जेड वेक्टर डॉट जेड वेक्टर। क्लियर? इसी टाइप के फॉर्म में इसको ये लिख सकते हैं। ये होगी इक्वेशन आपकी फर्स्ट। यदि मैं इसका डिफरेंशियल करता हूँ, डिफरेंशियल फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू टी, ये तो आपका कांस्टेंट में काम करेगा, तो यहाँ क्या होगा, फर्स्ट सेकंड लग जाएगा, मतलब डी ओवर डी टी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू डी ओवर डी टी ए स्क्वायर। तो ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल आप जानते हो क्या होगा, 0 होगा। तो डी ओवर डी टी यहाँ फर्स्ट सेकंड लग जाएगा, तो फर्स्ट सेकंड करूँ ए वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर ओवर डी टी प्लस कितना, ए वेक्टर डॉट सेकेंड एनर्जी फर्स्ट का डिफरेंशियल दिस इतना। तो ये दोनों टर्म्स क्या हुई, ऐड हो गई, ऐड हो क्या मिला, 2 ए वेक्टर डी ए वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे मिल गया ए वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू 0। तो ये बात हमारी प्रूफ हो गई, जितनी पूछ रहा था, सॉरी 0 वेक्टर चल रहा है, ठीक है। तो ये बात हमारी प्रूफ होगी, ये तो हुई आपकी नेसेसरी कंडीशन। अब बात आती है सफिशियंट कंडीशन के अंदर। सफिशियंट और नेसेसरीज में क्या होता है, जो गिवन जो दिया है उससे ये निकालना है। अब सफिशियंट में क्या करना होगा, जो हमने सॉल्व किया है इससे हमें क्या करना है, एक मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट प्रूफ करना है। तो हम कर सकते हैं प्रूफ इसको, देखिए काफी आसान है, आइए देखते हैं। चलिए इसे कर देते नोट करते रहिए, इसको इंपोर्टेंट में से है। सफिशियंट कंडीशन देखते हैं, सफिशियंट कंडीशंस क्या कहेंगे। तो सफिशियंट कंडीशन में जो आपने सॉल्व प्रूफ किया था ना, डी ए वैक्टर ओवर डी टी इक्वल टू 0, तो ये लेना है, और मैग्नीट्यूड ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड इज अ कॉन्स्टेंट, तो ये आपको प्रूफ करना है। तो हो जाएगा प्रूफ, देखिए 2 की मल्टीप्लाई की मैंने डी ए वैक्टर ओवर डी टी इक्वल टू 0 वेक्टर, मैंने इसको क्या लिख दिया, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब क्या करना है, सफिशियंट में जो आपने प्रूफ किया है उसका उल्टा करना है, बस कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, उल्टा लिखते चले जाइए बस। ए वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर ओवर दिस इतना, दिस इतना,
और मैं इस चीज़ को जानता हूँ क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डी ओवर डी टी ए वैक्टर डॉट ए वैक्टर इक्वल टू जीरो। यदि मैंने इसका क्या कर दिया, इंटीग्रल कर दिया, तो इंटीग्रेशन करते ही मेरे को क्या मिला, ए डॉट ए, दिस इज द कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, कॉन्स्टेंट को क्या लिख सकता हूँ मैं, स्क्वायर, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा तुम्हारा, ए या कॉन्स्टेंट। तो आपकी ये थ्योरम नंबर फोर्थ प्रूफ हो गई। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं अगली थ्योरम की तरफ। इसमें कुछ नहीं है समझाने का, वैसे जितना भी था वो बता दिया आपको। चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें इंपॉर्टेंट्स, वो आपको करा दिए जाएंगे, हार्ड है नहीं कुछ भी। अगले क्वेश्चन की तरफ, थ्योरम नंबर फोर्थ फिफ्थ, देख फिफ्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरम नंबर सिक्स इंपॉर्टेंट है आपकी। तो थ्योरम नंबर सिक्स की तरफ चलते हैं। थ्योरम दे रहा है द नेसेसरीज एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर ए वैक्टर ए टी टू हैव द कॉन्स्टेंट डायरेक्शन, द कॉन्स्टेंट डायरेक्शन इज, कॉन्स्टेंट डायरेक्शन इज ए वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर ओवर डी टी इक्वल टू कितना, जीरो वैक्टर। तो ये हमें सॉल्व करना है, आइए इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ कैसे होगा मेरी बात को समझना। लेट ए वेक्टर वेक्टर्स ऑफ फंक्शन ऑफ ए टी। क्लियर, मैंने क्या किया, जब इन्होंने बोला कांस्टेंट डायरेक्शन की बात करी, तो कांस्टेंट डायरेक्शंस के लिए मैं कुछ मानने वाला हूँ। क्या, लेट ए कैफ इज द यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का आप ओपन करना जानते हो, यूनिट वेक्टर कैसे ओपन होता है जानते हो नहीं, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड क्या निकल गया, ए। तो मुझे यहाँ से एक चीज़ मिल गई, ए वेक्टर इक्वल टू कितना मिल गया, ए इंटू ए का एक यूनिट कैप। ठीक है, तो क्लियर होगी होगी बात, समझ में आपके आ गई होगी। आइए, तो इतनी बात आपको क्लियर होने के बाद में चलते हैं, ये क्वेश्चन हो गया आपकी फर्स्ट। लेकिन मुझे चाहिए ए वेक्टर इंटू डी ए वैक्टर ओवर डी टी इक्वल टू जीरो, हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए चलते हैं, तो डिफरेंस कर देते हैं, डी ए ओवर डी टी इक्वल टू डी ओवर डी टी ए इंटू ए कैप। क्या होगा यहाँ, फर्स्ट सेकेंड लग जाएगा, ए इंटू डी ए कैप ओवर डी टी प्लस ए कैप इंटू डी ए अपॉन डी टी। लेकिन ए हमारे यहाँ पर कांस्टेंट काम करेगा। चलिए आगे चलते हैं अगली टर्म की तरफ। ठीक है, यहाँ तक आपका ये क्लियर हो गया होगा, बात समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, ये तुम्हारा क्रॉस है, यहाँ प्रॉब्लम है थोड़ी सी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतना आपका हो गया। तो इसी की वजह, अब आपको डी ए और डी टी तो मिल गया, लेकिन मुझे ए वेक्टर चाहिए। तो ए वेक्टर के लिए क्या करूँगा, मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ ना, मैं ए वेक्टर क्रॉस डी ए वेक्टर ओवर डी टी इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस कितना, दिस इतना ए इंटू डी ए वैक्टर ओवर डी टी प्लस ए कैप डी ए ओवर डी टी। क्लियर, अब लेकिन ए वैक्टर, मुझे ए वैक्टर क्या है हमारे यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, ए इंटू ए कैप, तो ए इंटू ए कैप दिस इतना ए इंटू डी ए कैप ओवर डी टी प्लस ए कैप इंटू डी ए ओवर डी टी। क्लियर, मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर, तो ए स्क्वायर कितना, ए कैप इंटू डी ए कैप ओवर डी टी प्लस कितना, ए इंटू क्रॉस चल रहा है, ओके, तो हमारा क्या होगा, क्रॉस ए क्रॉस ए इंटू डी ए ओवर डी टी। और आप जानते हो ए क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो होता है,
कैसे होता है वो तो जानते ही हो ना आप, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जब ये जीरो होता है तो यहाँ से क्या कंडीशन मिली मुझे, एक रो से जीरो मिल गया, तो ए टर्म्स क्या हो गया मेरा, जीरो हो गया। ए स्क्वायर इंटू ए कैप क्रॉस ओवर डी टी। तो ये कंडीशन आ गई आपकी इतनी निकल कर। ये चल क्या रहा था, किसके बराबर था, ये डी ए वैक्टर ओवर डी टी। तो मुझे प्रूव करना है इसके, अब कंडीशन की तरफ चलते हैं हम इसके। आइए, तो कंडीशन क्या कहती है, ए स्क्वायर इंटू ए कैप क्रॉस डी ए कैप ओवर डी टी, ठीक है। आइए नेक्स्ट सीरीज कंडीशन, नेक्स्ट सीरीज कंडीशन, नेक्स्ट सीरीज कंडीशन क्या बताया, जब ए वेक्टर इज द वेक्टर है किसका, वेक्टर ऑफ द फंक्शन है ए टी का। जब ये ए टी का फंक्शन है तो ए का मोड क्या मिला, ए ये भी क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन ए कैप मैंने बताया आपको यूनिट वेक्टर है। भाई यूनिट से मीनिंग क्या समझते हो, वन का ना, तो डी ए कैप ओवर डी टी क्या मिलेगा मुझे, जीरो। डी ए यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मतलब होता है एकल, वन। तो डी ए कैप ओवर डी टी कितना मिल गया, जीरो। तो डी ए कैप ओवर डी टी जीरो मिल गया, तब मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, तो एक इतना कितना हो गया टर्म्स, आपका जीरो हो गया। बात समझ में आ गई, तो जितनी कंडीशन आपसे प्रूफ करवा रहा था इतनी आपकी प्रूफ ये हो गई। ये तो हुई आपकी नेसेसरी कंडीशन। अगर हम बात करते हैं इसकी सफिशिएंट कंडीशन, कंडीशन की तरफ चलते हैं तो उसको देखते हैं अब हम। सफिशिएंट कंडीशन तरफ चलते हैं, तो हमने सॉल्व क्या करा था, ओवर डी टी इक्वल टू कितना, जीरो। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, ए वेक्टर इक्वल टू ए इंटू ए कैप था, ठीक है। तो इसको बस मुझे यूनिट वेक्टर बताना होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, मैं ए वेक्टर की जगह रख दिया ए इंटू ए कैप क्लियर, क्रॉस डी ए वेक्टर दिस इतना अपॉन डी टी इक्वल टू कितना मिला मुझे, जीरो। तो ए ए बाहर आ गया, ए स्क्वायर में ए कैप इंटू डी ए कैप ओवर डी टी की वैल्यू कितनी होगी, बात है समझ में। अब मैं एक चीज़ जानता हूँ क्या, तो यहाँ से ए कैप क्रॉस डी ए कैप ओवर डी टी क्या हो गया, जीरो। यदि मैं इसकी लेंथ के बारे में बात करता हूँ तो ए कैप डॉट डी ए कैप ओवर डी टी वो भी जीरो के बराबर, जब ये दोनों ही सिमिलर पार्ट्स के अकॉर्डिंग है तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, डी ए कैप ओवर डी टी इक्वल टू जीरो। तो मैंने क्या किया, इंटीग्रल कर दिया इसका। जैसे मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो ये क्या होगा, मेरा कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये बात हमें प्रूव करनी थी कि ए कैप इज द कांस्टेंट होगा, मतलब इसमें बोला गया था थ्योरम के अंदर, थ्योरम में बोल दिया था द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ वेक्टर ए टी टू हैव अ कांस्टेंट डायरेक्शन। कांस्टेंट डायरेक्शन फर्स्ट पार्ट हमारा ये प्रूफ हुआ, दिस नेसेसरी से सफिशिएंट कंडीशन हमने इसको बता दिया कि ए कैप एक कांस्टेंट। ए कैप इज अ कांस्टेंट क्यों था, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब ए कैप एक कांस्टेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट मतलब यूनिट वेक्टर है, तो डी ए कैप ओवर डी टी की वैल्यू क्या निकल के आई थी, जीरो निकली थी ना, उसको अप्लाई किया था, तो इसी के अकॉर्डिंग ये भी इसमें सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं हम स्टूडेंट, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक दो क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद। आशिक,
क्वेश्चन इंपोर्टेंट है भाई इसके, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आपके ये थ्योरम में सही हैं, तो इनको देख लेना आप खुद ही। इफ आर वेक्टर इक्वल टू दे रखा है कितना, टी क्यू आई कैप प्लस 2t³ माइनस 1/5 t² टू जे के, तो मुझे सो दैट करना है आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर ओवर डी टी इक्वल टू कितना के कैफ। तो हो जाएगा प्रूफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। सबसे पहले तो मुझे डी आर ओवर डी टी चाहिए, तो डी आर ओवर डी टी ये क्वेश्चन आपकी फर्स्ट हो गई, तो डी आर ओवर डी टी कितना मिलेगा, डी आर वैक्टर ओवर डी टी कितना मिला मुझे, तो डिफरेंस करना है विद रेस्पेक्ट टू टी, पावर आ गया आई दिस इतना हुआ आई कैप प्लस, ये कितना मिला मुझे 6t² माइनस, अब ये कितना हो जाएगा जैसे ये पावर ऊपर जाएगी तो पावर आगे आएगी दिस 2/5 t³ इंटू जे कैप प्लस 0 k कैप, ये तो वो डी आर ओवर डी टी। अब आर वेक्टर हम जानते हैं क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है ये, तो मैं क्या करूँगा आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर ओवर डी टी कैसे निकालते हैं हम, जैसे कर्ल निकालते हैं इसी टाइप से निकलता है आई जे के, ठीक है। आइए तो पहला आएगा एक्स वाई जेड, अगला आ गया डी आर ओ सॉरी एक्स तो आर तो हमारे पास गिवन है, आर वेक्टर तो मेरे पास गिवन है तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आइए इसकी ज़रूरत नहीं है ठीक है, आर वेक्टर तो हमारे पास गिवन है, तो आर वेक्टर के अंदर देखिए क्या क्या है, टी क्यू और टी माइनस 1/5 t² के कैप 0 है, अगला डी आर ओ डी टी ये रहा 3t² 6t² प्लस 2/5 t³ ओके 0, तो सॉल्यूशन करना आना चाहिए आपको आई कैप प्लस माइनस प्लस, तो आई कैंसिल दिस इज इक्वल टू यहाँ यहाँ, तो टर्म्स होगी 0 माइनस जे कैप, जे को लिया दिस इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये भी टर्म्स आपकी 0 हो गई प्लस के कैप, के कितना मिलेगा इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी इसकी यहाँ होनी है, तो क्या करना है मुझे आइए टी क्यूब 6t² प्लस 2/5 t³ माइनस, अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करनी है मुझे 3t² कितना मिला 2t³ माइनस 1/5 t², तो मेरा के कैप तो बाहर आ गया, मल्टीप्लाई करता हूँ देखो टी क्यूब की इसमें मल्टीप्लाई होता है 6t³ 5, t³ की मल्टीप्लाई जैसे मैं यहाँ करता हूँ तो 2/5 मेरा ये मिल गया, अब क्या करना है मुझे इसकी मल्टीप्लाई इधर करनी है, तो माइनस 6t² प्लस 3/5 t² से t² कैंसिल हो गया इससे ये कैंसिल हो गया, तो 2/5 प्लस 3/5 कितना मिला 1, तो ये आ गया आपका के कैप, इतना ही हमसे प्रूफ करवा रहा था, इतना ही आपका सॉल्यूशंस मिल गया स्टूडेंट्स, ठीक है कोई भी दिक्कत नहीं है, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका इंपॉर्टेंट है, उससे आप देख लेना, मैं क्वेश्चन नंबर कराते हैं आपको अब, फिफ्थ भी ठीक है, चलिए 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ चलते हैं, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इफ आर वेक्टर इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी प्लस सी टी अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी, तो मुझे सो दैट करना है इसका डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू
टू सी अपॉन ओमेगा कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे मुझे बताया ए बी सी आर अ कॉन्स्टेंट वेक्टर एंड डब्ल्यू इज अ कॉन्स्टेंट स्केलर। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डी टू आर ओवर डी टी चाहिए, तो मेरे पास तो यहाँ डी आर आर की वैल्यू है, तो क्या करना, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी। तो मैंने विद रेस्पेक्ट टू टी किया, तो ए कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा माइनस बी साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा प्लस, यहाँ पर आपको फर्स्ट एंड सेकंड लग जाएगा, सी अपॉन ओमेगा स्क्वायर भार फर्स्ट एंड सेकंड लगने के बाद में ये मिलेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा प्लस टी कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, अगला क्या मिला, साइन ओमेगा टी। क्लियर, जल्दी ले जाओ यहाँ। आइए चलिए देखते हैं। तो दिस इतना मिलने के बाद में डी आर वैक्टर ओवर डी टी इक्वल टू कितना मिल गया मुझे, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस बी। चलो एक काम करते हैं, ओमेगा को भी कॉमन ले लेते हैं, मैं बाहर ले लेता हूँ कॉमन, जितना भी कॉमन आ जाएगा इतना ले लेते हैं, ए कॉस ओमेगा टी माइनस बी साइन ओमेगा टी प्लस, जैसे ही मैंने यहाँ से ओमेगा कॉमन लिया था, यहाँ कितना हुआ, सी अपॉन ओमेगा पावर क्यूब, तो टी ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी। बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी, ये मिला अभी मुझे डी आर वैक्टर ओवर डी टी, लेकिन मुझे चाहिए डी टू आर ओवर डी टी। तो इसके क्या करूँगा, डी टू आर वैक्टर ओवर डी टी उसके इक्वल टू कितना मिलेगा, अब ओमेगा, अब क्या करना है, माइनस ए साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा माइनस बी कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ठीक है, टोटल पूरे में से है ना ओमेगा कॉमन, ठीक है, प्लस सी अपॉन ओमेगा स्क्वायर सॉरी ओमेगा क्यूब। तो अब यहाँ क्या होगा, ओमेगा इंटू फर्स्ट सेकंड यहाँ लगा देंगे, तो जैसे मैंने फर्स्ट सेकंड लगाया था टी इंटू साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो माइनस आ जाएगा यहाँ, ठीक है, प्लस अब टी का होगा तो ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इसका क्या हो जाएगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं, तो माइनस यहाँ से कॉमन आ रहा है, एक चीज़ का और देखना है, जैसे सी टी अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी, देखो यहाँ ओमेगा ओमेगा लिखा हुआ है, तो मैं एक काम करता हूँ, तो ओमेगा तो मेरा ये आ ही रहा है बाहर, और मैं माइनस क्यू भी कॉमन ले लेता हूँ, जैसे मैंने माइनस भी कॉमन ले लिया, अब क्या हो रहा है, सभी टर्म से ओमेगा कॉमन आ रहा है, तो ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस भी बाहर आ गया, डी टू आर वैक्टर ओवर डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, सी अपॉन ओमेगा की पावर 4 होगा, और यहाँ से ये क्या मिल जाएगा मुझे, ओमेगा ओमेगा की मल्टीप्लाई होगी, माइनस भी कॉमन आके बाहर आएगा, तो मुझे मिलेगा सी टी अपॉन ओमेगा स्क्वायर, कितना मिला मुझे, टी साइन ओमेगा टी। क्लियर, ये सभी आ गए कंप्लीटली बाहर, लेकिन एक ओमेगा जब आया था ओमेगा के पास 4 हुआ था, लेकिन यहाँ से मुझे कुछ मिल रहा है, टू सी अपॉन ओमेगा पावर क्यू कॉस ओमेगा टी। बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी, एक मिनट और देख लेते हैं, ओमेगा दिस दिस ये टर्म्स हो गया, क्लियर। तो ये वाली टर्म्स आपकी क्या हुई, आर वेक्टर, तो माइनस के ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, और डी टू आर वेक्टर ओवर डी टी स्क्वायर। एक चीज़ और देख लेना, टू सी अपॉन ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये कैसा आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, ये ओमेगा ही बचेगा, देखो इसका एक ओमेगा इससे कैंसिल आउट होगा, जब इसकी मल्टीप्लाई ओमेगा के साथ होगी तो एक ओमेगा ही बचेगा, क्लियर, प्लस टू सी अपॉन ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो मेरा प्रूफ हो गया ये क्वेश्चंस, इस टर्म को इधर ले आइए, डी टू आर वेक्टर ओवर
डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर वैक्टर इक्वल टू टू सी अपॉन ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो यही बात आपकी प्रूफ करनी थी और यही हमारी प्रूव्ड होगी। ओके स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि कोई भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।